अच्छा, तो आपको लगता है अदिति के साथ ये शादी का नाटक आप नहीं कर पाएंगी? मैडम सर, नाटक तो छोड़ो, मैं असलियत में भी नहीं कर पाऊंगी। वो तो हम होने भी नहीं देंगे। मैडम सर, आप जानती है ना कि शादी के नाम पे मुझे कितनी घबराहट होने लगती है। अब उसका मैसेज आया था तो मैं इतनी इतनी ऐसी हालत हो गई, मेरी इतनी घबरा रही हूँ मैं। अब कल मैं जब मिलने जाऊंगी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो? हाँ मैडम सर, इनसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो क्या लगता है आप दोनों को कि संतोष शर्मा किसी काम की नहीं है? जी मैडम सर। बहुत ही ज्यादा मासूम है ना आप संतु जी, छोटी सी प्यारी सी भोली सी, इसलिए नहीं हो पाएगा इनसे मैडम सर, ऐसा हमको लगता है। संतोष शर्मा, आप घबराइए मत, आपको मिशन में भेजने से पहले हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से लड़के से बात की जाती है, किस तरह उसे इम्प्रेस किया जाता है, किस तरह खुद को काम रख के मिशन को पूरा करते हुए आप लड़के के नजदीक भी जाएंगी और ये नाटक भी कंटिन्यू रहेगा। समझ में आया? इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइए, रिलैक्स। बताइए, जिसने कभी जहाज नहीं उड़ाया वो पायलट का ट्रेनिंग देने निकला है। सुना हमने अभी आपने क्या कहा। आपको आता है जहाज चलाना? ऑफ कोर्स आता है, आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं, आपकी लव मैरिज हुई है। एक काम करिए, आप ही संतोष को ट्रेनिंग दे दीजिए। ये क्या बात है पुष्पा जी, बहुत हंसी आ रहा है आपको। वो एक चुटकुला याद आया। अच्छा सुनाइए। सुनाइए। मगर मैडम सर, जहाँ प्यार और जज्बात, आप ही की तरह बात करने लगे हम। जज्बात की बात है, वहाँ करिश्मा मैडम का क्या काम? मैडम सर, वो कमिटमेंट, वो फोबिया है ना मुझे, तो शादी के नाम पे मैं, आप जानती हैं कैसे होगा। ये कमिटमेंट फोबिया मतलब होता क्या है पुष्पा जी? कमिटमेंट फोबिया का मतलब है किसी भी रोमांटिक रिश्ते को अपनाने से डर लगना, फिर चाहे वो आजादी खोने का डर हो या फिर आपके पुराने रिश्ते में आपको हर्ट किया गया हो, इस बात से आपको डर लगे। बेसिकली रिश्ते में घुसने से बहुत ज्यादा डर लगना, यहाँ तक कि सिर्फ रिलेशनशिप का नाम सुनकर ही एंजाइटी अटैक आने लगता है, घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है, इसे कहते हैं कमिटमेंट फोबिया। संतोष शर्मा, घबराइए मत, उस दिन हमने क्या बात की थी, हम हैं आपके साथ, ये मिशन आप ही करेंगी और बहुत अच्छे से करेंगी। मैडम सर, आप इतना हाथ घुमा के कान काहे पकड़ रही हैं? एक कंटाप लगाएंगे ना उस आदित्य को तो सारा रंग में भेदभाव करना भूल जाएगा वो। संतु को बीच में डालने का जरूरत ही नहीं, आप तो जानती हैं इसका, जाएगी सब काम उल्टा कर कराएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं करिश्मा मैडम। यार तुम नाश्ता में टिपरी का ऑर्डर खा कर आए हो क्या? जो बोल रहे रिपीट किए जा रहे हो। हाँ ये इसी का कहना है, मेरा आइडिया नहीं था ये। चुप रहिए सब लोग। सॉरी मैडम सर। संतोष शर्मा, आप कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं करेंगी, आप ये मिशन बहुत अच्छे से करेंगी, हमें पूरा भरोसा है। और करिश्मा सिंह, आप, तजुर्बा कहता है हमारा कि जज्बात की भाषा ना तो आपको कभी समझ आई है और ना ही कभी आएगी। क्या सिखाया था आपको थोड़ी देर पहले? मैं ये कर सकती हूँ, बोलिए। मैं ये कर सकती हूँ। एक और बार अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ। मैं ये कर सकती हूँ। गुड। करिश्मा मैडम, आप घर से टिफिन क्यों नहीं लाती? मेरा मतलब है कि ऐसे दांत चबाने से तो अच्छा है कि टिफिन चबा ले, मतलब टिफिन खा ले। भाई मैया की सासू मैया। मैडम ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था, आपको पता है ना मेरा नेचर एकदम जॉली नेचर है। और ऐसे भी सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोग इस दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं और नॉनसेंस लोग जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ ये देखो ना, ऐसे तुम्हारा बात कर रहे हैं। अच्छा मेरा बात छोड़ो, बात सुन लो, मतलब गौर करो। मान लो कि ये केस अगर आपके हाथ में आए तो आप ये केस कैसे सॉल्व करोगे?
इमेजिन का पावर याद है ना आपको, वो चाबी, वो सक्सेस का रहस्य। सचो इस महिला पुलिस थाने की आप मैडम, आदित्य ने हमसे कहा कि उसको एक गोरी लड़की चाहिए और हमें रिजेक्ट कर दिया। हमारा सवाल ये है कि जब मिलके ही सब कुछ फाइनल करना था तो फोन पे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की? हमें बस हमारे पैसे वापस चाहिए। मैडम सर, हम तो कहते हैं आप एफआईआर कर दीजिए, घर के लाते हैं उसे और जेल में अच्छी खासी मरम्मत करेंगे उसकी। नहीं पुष्पा जी, ये समस्या आदित्य का नहीं है, ये समस्या पूरे समाज का हो चुका है, इसलिए घर के लाने से कुछ नहीं होगा। हमें ये सोच बदलना होगा, इस केस में हमें जज्बातों से काम लेना होगा। हम ऐसे जो बनती मैडम सर जैसा काहे सोच रहे? मैडम क्या देखा, कुछ खराब देखा क्या, बताओ ना। बिल्ला तू चुप हो जा, हमारा दिमाग का गर्मी ना हमारे हाथों में खुजली कर रहा है और वो हम तुम्हारे ना उजड़े चमन में साफ करेंगे, समझ गए? मैडम हम बाद में बात करते हैं। बिल्ला। हाँ मैडम। इसको उठा। ये बहुत मोटा है, उसे नहीं उठेगा। अमां नींद से उठा। अच्छा ऐसा। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उठो उठो। क्या है? खाना है आपके लिए। हाँ, मैडम ने उनकी फेवरेट डिश आपके लिए लाई है और डिश का नाम मालूम है क्या है? क्या है? डिशुंग। आदित्य तो हमारे हाथ लगा नहीं, लेकिन तुम भी उसी की तरह हो ना। तुमने भी अपने बीवी को इसी बात के लिए छोड़ा ना कि वो सावली है। हाँ बिल्ला, मारो मारो इसको, रंग देखकर रिश्ता बनाते हो। हट बिल्ला। तुम्हारी तो एक मिनट मिनट, ये कंबल। अमा तुम्हारा टोपा गिरी खत्म नहीं होता है। लगेगा ना उसको। हाँ अभी साले बीवी को माफ कर दो मैडम, गलती हो गई, तुम्हें नहीं करना। आज का डोज हुआ पूरा तुम्हारा नहीं हमारा, और जब तक तुम्हारा ये घटिया सोच नहीं बदलेगा ना, तब तक ये चलता रहेगा। बदल गया मैडम, पूरा बदल गया। नहीं नहीं, ये खेल लंबा चलेगा। मैडम मैडम क्या, सो जाओ भाई सो जाओ, 6 घंटे के बाद वापस उठाएंगे खाना खाने के लिए। डिश आएगी डिशो। ये आपका टेबल मस्त रेडी, बेस्ट ऑफ लक। संतोष जी, आप हमें बेइंतहा पसंद है। आप बिल्कुल वैसी हैं जैसा मैंने सोचा था। खरगोश जैसा मासूम सा चेहरा, हिरन जैसी बड़ी बड़ी आंखें, नागिन जैसी। चड्डा, क्या बोल रहे हो यार तुम? संतोष जी का चेहरा है कि चिड़िया घर है? मतलब कहा बोले जा रहे हैं? देखिए संतोष जी, आप है नागिन जैसी, आपकी चिड़ियाघर जैसी, ये सब ये दूध पता नहीं है, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे ऐसा है। कंट्रोल, जाओ पीछे, नाटक है ये सब। सनी कंटिन्यू। थैंक यू मैडम। संतोष, शादी करोगी मुझसे? बोलो ना संतोष, शादी करोगी मुझसे? शादी? अरे सोच के देखो, क्या बढ़िया कपल होगा हमारा, क्या शादी होगी और हमारे ट्विंस बच्चे भी होंगे। संतोष जी इतनी क्या जल्दी है? हाँ बच्चे भी कर दिए। अरे जल्दी में कहा हूं? अभी तो तुम मुझे हाँ कहोगी, फिर हम हनीमून जाएंगे, फिर जाके 9 महीने बाद। ए, चुप हो जा यार, चुप हो जा भाई, कितना गंदा बोल रहा है, भगवान के लिए चुप हो जा भाई। जब देख रहा है संतोष जी डर रही तो काहे नहीं चुप हो जा रहे हो यार, मतलब बच्चा तक पहुंच गया इंसान, जुड़ हुआ बच्चों तक। अबे शादी हमारी, बच्चे हमारे, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है बे?
तुम तो उन ट्विंस बच्चे के मामा होगे ना। मामा? मामा। चल तेरे माँ के पास अपने। बस कीजिए आप लोग, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम मैं तो अपना काम ही कर रहा था। सनी तुम जा सकते हो। अरे मैडम सर मैं तो। थैंक यू। निकलो। संतोष जी। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, हो गया। मैडम सर एक तो ना ऐसे ही पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है हमारा आपसे। जब इस समय से नाटक हो ही रहे तो आप हमको कहे नहीं आदित्य बनने के लिए बोलती है। हम ना एकदम मस्त। चीता चतुर्वेदी तुम तो। मैडम सर अगर बेस्ट एक्टर ही चाहिए तो हम भी आदित्य बन सकते हैं। बिल्लो। मैडम सर ये दोनों तो बेवकूफ हैं। मगर इसकी हालत देखिए, शादी के नाम पर तो ये कैसी कांप रही है देखिए। पुष्पा जी ये तो हमने भी नोटिस किया, जब तक शादी ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ था ये ठीक थी, शादी सुनते ही कांपने लग गई। हाँ। संतोष शर्मा ये लीजिए ब्लूटूथ, इसे आप अपने कान पर हमेशा लगा कर रखेंगे। इसके जरिए हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। जब भी आपको घबराहट होने लगे या परेशान होने लगे तो हम आपसे बात करके आपको काम डाउन करेंगे। ठीक है पकड़िए। अंबिका। संतोष। अंबिका का चेहरा याद रखिए। अंबिका को इंसाफ दिलाना है आपको। यस मैडम सर। संतोष आ जाओ। Please have a seat. आपका फोन गिर गया। So, how are you? Very well. आप बताइए आपको लखनऊ कैसा लगा? London is much more better place than this. लेकिन आपसे मिलकर लगता है कि लखनऊ से भी प्यार हो जाएगा। वाओ क्या जोड़ी है कसम से। नहीं सच कह रहा हूँ, आपकी जोड़ी बहुत ही बढ़िया है। मैंने 95 में एक फिल्म देखी थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें जो राज और सिमरन की जोड़ी है वैसे ही आपकी जोड़ी लग रही है कसम से। अरे कैफे में आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है, बताइए हाँ। क्या पीजिएगा? संतोष आप क्या लेंगी? आई वुड लाइक टू हैव कैपुचिनो विद प्रोशेटा। कौन कमीनो? कमीनो नहीं कैपुचिनो। सेम फॉर मी टू प्लीज। ओह सेम थिंग, ओके ओके। एक्सक्यूज मी, आप महिला पुलिस टीम के कांस्टेबल संतोष जी? यस इट्स माय प्लेजर, एंजॉय। श्योर। कसम से। हेलो संतोष शर्मा, देखिए आप संतोष। हेलो संतोष, संतोष शर्मा हेलो। क्या हुआ मैडम सर? पुष्पा जी कुछ तो गड़बड़ हो गई, संतोष को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो आप वो अकेली संभाल नहीं पाएगी, हम इशारा करें क्या उसको? हाँ ठीक है, लेकिन आराम से करना, लड़की को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ आप एक ध्यान रखिए। सटल पुष्पा जी सटल। हाँ पुष्पा जी आराम से है? अरे हाँ हाँ। क्या
क्या कर रही हैं पुष्पा जी? आप बताइए, पूरा का पूरा पेस्ट्री खराब कर दी आप। सॉरी, वो हमें माफ कर दीजिए करिश्मा मैडम। आप एक काम कीजिए ना, हमारे पेट पे चाकू मार दीजिए और फिर हमको सॉरी बोलिए। काश। साफ कीजिए हाथ, हम वॉशरूम होकर आते हैं। आप रहने दीजिए, बैठिए। एक्चुअली आपसे एक बात पूछनी थी, इफ यू डोंट माइंड। यस प्लीज। शादी के बाद तो लंदन शिफ्ट होना पड़ेगा, तो आप ये अपनी कॉप की ये पुलिस की जॉब छोड़ देंगी? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? थैंक यू, इसके पैसे उनसे ले ना। बिल, एक्सक्यूज मी। वाह, व्हाट अ टाइमिंग। निकाल निकाल। बोलिए ना। आओ। क्या हुआ संतोष जी, कोई प्रॉब्लम है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये आगे पीछे, इससे हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। ये देखिए, ऐसे ऐसे करने से यहाँ पे इस वक्त मतलब एक्यूप्रेशर हम कहीं पर भी कर सकते हैं, किस वक्त भी कर सकते हैं। और हमारे कैफे में तो ऑफर चल रहा है, कॉफी के ऊपर मसाज फ्री। मैडम सर, इससे नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं। बैठो चुपचाप। आप प्लीज जाएंगे यहाँ से, हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं। यस यस, व्हाई नॉट, जस्ट वन सेकंड। प्लीज संतोष जी, आप मेरा ये वीडियो बना दीजिए प्लीज। एक हसीना है, उनसे हमने वादा किया था, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें ये वीडियो सोशल मीडिया पे डालना है, तो प्लीज आप अपने फोन से रिकॉर्ड करेंगे प्लीज प्लीज। एक मिनट, ये कस्टमर्स के साथ आप क्या? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी के ट्रीटमेंट के लिए चल रहा है, प्लीज मैम लीजिए ना, हसीना के लिए, हेल्थ के लिए, इट्स एन ऑर्डर। ऑर्डर? व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर? ऑर्डर मतलब आपका ऑर्डर वही है ना, बदल तो नहीं गया ना? ऑर्डर वही, आप जाकर लेके आइए प्लीज, जल्दी नाउ गो। यस यस। संतोष शर्मा आपको सुनाई दे रहा है? अच्छा, आपने बताया नहीं कि शादी के बाद आप लंदन शिफ्ट होंगी मेरे साथ। संतोष शर्मा, रिलैक्स रिलैक्स, ये असली शादी नहीं है, ये झूठ है, ये नाटक है। उससे कहो कि शादी के बाद आप लंदन जाओगी। तो ऑब्वियसली शादी के बाद तो वाइफ हस्बैंड के साथ ही रहती है ना। Will you marry me? Santosh? Will you marry me? Will you marry me? संतोष रिलैक्स रिलैक्स, झूठ है, नाटक है। अब इतनी इतनी भी क्या जल्दी है, हम बाद में करेंगे ना आराम से। जब आपको मैं पसंद हूँ, मुझे आप पसंद हो, तो फिर डिले क्यों करना? बाद में। इट्स ओके, ठीक है, तो शांत हो जाए। अब इतना हाइपर क्यों हो रही है? मैं हाइपर नहीं हूँ, मैं शांत हूँ। रिलैक्स संतोष, पूरा पास बताना प्लीज। संतोष रिलैक्स, हम 100 बार कह चुके हैं, ये असली शादी नहीं है, रिलैक्स, वो घटाइए। मैंने कहा ना, दूर रहने के लिए पास आने की जरूरत भी नहीं है। मैं दूर हूँ, लेकिन आप हिलेंगे नहीं वहां से, हिलिएगा मत। आप क्या कर रही है? क्या कर रहे हो बे,
क्या कर रहे हो? नहीं नहीं हम रुकिए करिश्मा सिंह, गन नीचे। मैडम सर आप देख रही है ना ये, रुको। बढ़िया हुआ भाग गया। सॉरी मैडम सर, से नहीं हो पाएगा। आप प्लीज इस केस में किसी और की मदद ले लीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। हम हार गए। ठीक है फिर आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप वर्दी पहनने के लायक नहीं। मैडम सर आप इतना सा बात के लिए संतू को? इतनी सी बात नहीं है करिश्मा सिंह, संतोष शर्मा ने अगर हार मानी होती तब भी ठीक था, लेकिन कांस्टेबल संतोष शर्मा को हार मानने का कोई हक नहीं। वर्दी की इज्जत होती है, उसकी गरिमा होती है। अगर आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रख के ड्यूटी ठीक से नहीं कर सकते तो मत पहनिए वर्दी, हमें कबूल नहीं है। और आप या तो इस्तीफा दे दीजिए वरना मजबूरन हमें आपको सस्पेंड करना होगा। मैडम सर आप ये गलत कर रही हैं। हमें आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, और आप तो हमें सही और गलत सिखाइए ही मत, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है आपकी जल्दबाजी की वजह से हुआ है। हमको लगा संतू खतरे में है, इसलिए अगर संतोष को कुछ भी होता तो आपसे पहले हम वहां पहुंचते। क्या जरूरत थी आपको हमारे प्लान के बीच में आने की? हम थे वहां, हम जैसे तैसे करके संतोष को हिम्मत दे रहे थे। हम नहीं सोचते इतना मैडम सर, हमारा दिमाग गर्म है, हमें लगा कुछ गड़बड़ है इसलिए हमने उसी वक्त रिएक्शन दे दी। हमें नहीं पता था कि वो गलत सहमी है, उसके लिए सॉरी। सॉरी आपको सॉरी हमें नहीं, अंबिका को सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास एक उम्मीद लेकर आई थी। मैडम सर वो इस उम्मीद से आई थी कि हम उसको न्याय दिलाएंगे, और जो आदित्य उसने जो उससे पैसे लिए वो पैसे उसको वापस दिलाएंगे, लेकिन हम तो आदित्य को यहाँ पे दामाद बनाने में लगे हुए हैं। आपको समझ में नहीं आता एक असली शादी और एक नकली शादी के बीच का फर्क? आपको अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब एक प्लान? मैडम सर, कांस्टेबल संतोष शर्मा रिपोर्टिंग। मैडम सर मैं रिजाइन नहीं करूंगी, हम ये मिशन कंप्लीट करेंगे और जीतेंगे भी। कांस्टेबल संतोष शर्मा वेलकम बैक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.